अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हालचाल? ठीक ठाक। तो अभी तकरीबन बज चुके हैं, एक बज चुका है दोपहर का, और अभी बिजली आई नहीं है। सुबह से 10:30 के 10 बजे से गई हुई है, तो अभी तक बिजली नहीं आई हुई। तो आज कंप्यूटर भी नहीं मैं चला सका, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो नीचे अंधेरा काफी ज्यादा हुआ है क्योंकि बिजली नहीं आ रही। तो आज मैंने सोचा है, कल सर्दी काफी ज्यादा थी तो आज धूप निकली है, तो आज धूप जाके सेकते हैं ऊपर। तो अभी चलते हैं छत में। तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ और धूप जो है काफी ज्यादा तेज है, साथ साथ हवा भी चल रही है, लेकिन मजा आ रहा है धूप सेकने का। और मुजम्मल भी छत पे आया हुआ है, तो उसकी फोटोज वगैरह भी खींच के हटा तो थोड़ी सी अभी। तो एक मेरी भी खींची है, कहाँ में फोटो, तो ये वाली फोटो पर नहीं आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही, तो काफी ज्यादा प्यारी है। तो ये आईफोन जो है ना, मेरा दिल कर रहा है लेने का, लेकिन अभी नहीं लेंगा, अभी देखेंगे यूट्यूब चैनल कहाँ तक चलता है। अगर ये अच्छा चल गया चैनल, फिर इंशाल्लाह आईफोन ले लेंगे। अभी फिलहाल कोई आईफोन नहीं लेना हमने, तो अभी फिलहाल इसी से चलाएंगे, ये जो काम चला रहा है ना मोबाइल मेरा, इसी से चलाएंगे। तो अभी जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी बैटरी जो है वो भी डाउन पड़ी हुई है, तो क्योंकि काफी दिनों से बिजली जा नहीं रही तो स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से सर्दी ज्यादा होने की वजह से बैटरी इसकी ड्रेन है, इसकी भी हो गई है। तो अभी इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से बिजली गई हुई है, तो हमने सोचा कि इसे भी स्टार्ट करें और बैटरी भी चार्ज हो जाए और नीचे थोड़ी सी रोशनी भी हो जाए। तो अभी ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, इसे किस लगा लगा के बस हो गई है जमन की। अभी मैं कोशिश करता हूँ लगाने की। स्टार्ट हो गया, पसीना आ गया, तो धूप पहले सेक ली अच्छी तरह। तो अभी जनरेटर खुद ब खुद बंद हो गया, पता नहीं गैस का मसला है किस चीज का मसला है, तो अभी जनरेटर बंद हो गया। तो मैं तो यहाँ पे लेट के अभी धूप अच्छी तरह से सेक लूँ। जनरेटर बंद हो गया ना, तो इतना ज्यादा सुकून आ गया ना कानों को, तो बहुत ज्यादा शोर है जनरेटर का, तो उसका जो साइलेंसर है वो उतरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। तो अभी बंद है, सुकून है, तो बंद पता नहीं क्यों हो गया पर गैस कम आ रही है, क्या मसला है? आज वैसे सूरज निकला हुआ, गैस कम होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या मसला होगा। खैर, अभी मैं धूप सेक के आ गया ऊपर से नीचे, तो काफी ज्यादा सुस्ती पड़ गई थी, तो आगे से मैं कभी धूप सेकने नहीं बैठूंगा क्योंकि सुस्ती बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो अभी भी मेरा मुंह ऐसे हो गया जैसे मैं पता नहीं कितना सो के उठाऊं, तो दोबारा कभी नहीं धूप सेकनी। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ और लाइट अभी तक आई नहीं है, 2 बजने वाले हैं और लाइट अभी तक आई नहीं है। और जो ये मेरी चार्जिंग वाली लाइट मैंने अभी ऑन की हुई है, तो इसकी भी बैटरी मुझे लग रहा है कि कम होने वाली है, तो बिजली आती है तो इसे भी चार्ज करते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, और अभी खाने का भी टाइम हो रहा है तो वो भी खाते हैं। थैंक गॉड, तो अभी बिजली आ गई है, तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 2:30 के मतलब 3 बज चुके हैं। तो अभी बिजली अभी अभी आई है, तो अभी मोटर चल रही थी अभी बंद हुई है, तो मैंने भी खाना वगैरह खा लिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, जाके कंप्यूटर में वीडियोस देखूँ, क्या करूँ, एडिटिंग करूँ, क्या करूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि इसे भी बाहर निकालूँ, तो काफ़ी दिन हो गए, मेरा ख्याल हफ्ता हो गया कि हफ्ते से 2-4 दिन तो हो ही गए हैं मेरे ख्याल में कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला, तो इसे बाहर निकालते हैं। तो आज पता नहीं इसे धक्का लगाना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट हो जाएगी ये भी नहीं पता। तो अभी चादर इसी तरह पड़ी हुई है, तो इसे उतारेंगे और इसे चेक करेंगे, पेट्रोल चेक करेंगे इसके अंदर कितना है, फिर इंशाल्लाह इसे बाहर निकाल के ज़रा चला के आएंगे, इसे ज़रा वार्म अप करेंगे, क्योंकि खड़ी खड़ी
चीज खराब हो जाती है तो इसे खड़े भी रहने नहीं देना, और इसे चलाना है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा क्या चलाना है, मतलब चलाना है इसे, ज्यादा देर खड़ी रहने नहीं देना। तो इसका करवत करते हैं आज से भी स्टार्ट। तो मेरी वीडियोस में आपने काफी ज्यादा देखे होंगे, ये मैं दिखा रहा था भूत। तो मुझे नहीं पता था ये कली है, तो अबू ने बताया कि ये कली है, चाइना की कली है। मैंने कहा खुशबू तो इसमें से आती नहीं है, तो लेकिन ना खुशबू वैसे आती नहीं है, ऐसे करो ना ऐसे, फिर जाके खुशबू आती है। लेकिन जो होती है ना रियल कली, जो के जिस नाम से जिसे यास्मीन कहते भी है, उसकी खुशबू वैसी आती रहती है, लेकिन इसे चाइना कली कहते हैं। तो इसे ऐसे सूखना पड़ता है, वैसे खुशबू इतनी ज्यादा आती नहीं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फूल आए जो पिछले साल थे। तो पिछले साल बिल्कुल भी फूल नहीं निकले इस पे, इस साल है तो इस पे फूल निकल रहे हैं। तो काफी ज्यादा प्यारा बल है, और बहुत सारे जगहों पे अभी फूल निकलने वाले रहते हैं। जब वो कम निकलेंगे ना फिर भी आपको दिखाऊंगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। काफी ज्यादा जगह ऐसी है जहाँ पे अभी फूल निकलने रहते हैं। तो गए अभी जी तकरीबन बच चुके हैं चार, तो मैं जाने लगा हूँ बाइक राइड पे। तो अभी बाइक बाइक निकालेंगे और देखेंगे स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तो अगर आपने भी देखना है कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, जाना को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।